हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं रायबरेली की फेमस हस्तियों के बारे में। आपको पता, इंदिरा गांधी जी का ससुराल रायबरेली है और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और तीसरी प्रधानमंत्री थी। इनका कार्यकाल 1966 से लेकर 1970 तक था और दोबारा इनका कार्यकाल 1980 से लेकर के 1984 तक था। दूसरी जो एक्ट्रेस है जो कि बॉलीवुड में इस समय बहुत अच्छे नाम पे हैं, उनका नाम है मीनाक्षी दीक्षित। मीनाक्षी दीक्षित ने तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ जैसी फिल्मों में काम किया है। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1993 में रायबरेली में हुआ। इनके पिता एक सिविल कोर्ट के जज हैं और इन्होंने नचले विद सरोज खान में अपनी उससे एंट्री इन्होंने पाई थी। और इस समय ये बॉलीवुड में काफ़ी नाम कमा रही हैं, काफ़ी सुंदर एक्ट्रेस में ये गिनी जाती हैं। आपको बता दिया जाए, इसके बाद जब इन्होंने यहाँ नचले विद सरोज खान में जब अपना टीवी रियलिटी शो में इन्होंने जीता, उसके बाद जो है ये एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। तीसरा नाम आता है, वो नाम आता है जितेंद्र कुमार जी का, जो कि उनका जन्म 6 दिसंबर 1985 में हुआ है, जो कि एक अंडर-19 क्रिकेटर है। और इन्होंने जो है टीम इंडिया को काफ़ी सपोर्ट किया है, टीम इंडिया में के लिए काफ़ी कुछ खेला है। और ये बहुत ही रायबरेली के लिए गर्व का है कि इस लाइन में रायबरेली से एक नहीं बहुत से कलाकार गए हुए हैं। तीसरी बात और चौथी बात करें तो चौथी जो है वो है लीला मिश्रा जी, जिन्होंने 90 दशक में लगभग 200 से भी ज़्यादा जो है फिल्मों में अपनी जगह बनाई। इनका जन्म 1 जनवरी 1908 में जायस रायबरेली में हुआ और इन्होंने जो है बहुत सारी फिल्में की हैं। अगर हम पांचवी बात करते हैं तो वो है सुधा सिंह जी। सुधा सिंह जी जो है इनका जन्म 5 जून 1986 में जो है रायबरेली में हुआ। ये 300 मीटर दौड़ करके ये एथलीट हैं। इन्होंने जो है इंडिया को बहुत सी चीज़ें बहुत सा सपोर्ट किया है और इन्होंने बहुत कुछ पता जीते हैं इंडिया के लिए। थैंक यू मैम। जो है रायबरेली में आ चुकी हैं और ये इनके साथ मैंने फ़ोटो भी खिंचवाई थी, अभी जल्दी ही आई थी रायबरेली में सुधा मैम। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आपके देश में जो इतना प्राउडिंग मोमेंट होता है उनके साथ फ़ोटो खिंचवाइए। तो इट्स अ वेरी ग्रेट मोमेंट व्हेन सुधा मैम मीटेड ऑन मी, सो इट्स रियली अ वेरी ग्रेट मोमेंट। थैंक यू सो मच। इसी तरह ख़त्म करते हैं अपना व्लॉग। थैंक यू सो मच।